चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की आज की सभी ताजा बड़ी महत्वपूर्ण सिलेक्टेड और काम की खबरों को केवल एक वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई अन्य खबरें देखने की जरूरत नहीं होगी, तो बड़े इत्मीनान से इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देख लें। अभी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े घोषणा, बड़े बदलाव कर दिए हैं, बड़ी खबरें हैं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों जो भी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा उस पे बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। यूपी के मथुरा से सीएम योगी ने किया चुनाव प्रचार का आगाज, बोले सपा कांग्रेस के लिए परिवार, मोदी के लिए राष्ट्र सरोपरि। जी हां, आपको बता दें कि सीएम योगी ने मथुरा से लोकसभा चुनाव प्रचार का आगाज किया। यहां पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन के जरिए मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और उन्हें तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए हेमा मालिनी को फिर से सांसद बनाने की अपील की। विपक्षी दलों खासकर सपा और कांग्रेस का नाम लिए बगैर जोरदार तंज कसा। सीएम योगी ने कहा कि अन्य दलों के नेताओं के लिए परिवार सरोपरि है, जबकि मोदी के लिए राष्ट्र पहले है। मोदी का प्रयास प्रभावी शासन देकर भ्रष्टाचार मिटाना है, जबकि एक दल का काम माफिया को आगे बढ़ाना और उसके हित का काम करना है। उत्तर प्रदेश में आरटीई के तहत दाखिले के लिए 30 तक करें आवेदन, प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त मिलेगी शिक्षा। जी हां, आपको बता दें कि शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई के तहत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों में दूसरे चरण में दाखिले के लिए 30 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन का मौका है। पहले चरण में अब तक लखनऊ में मात्र 13,000 आवेदन आए हैं, इनमें से 9,691 बच्चों को प्रवेश की सूची जारी हो गई है। पहले चरण में आवेदन से वंचित रहने वालों के लिए दूसरे चरण में 30 मार्च तक मौका है। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में अभी ऐसा किया जा रहा है, इसके लिए आपको आरटीई उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर जाना चाहिए। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, इन तेज ब्रिड के कुत्ते नहीं पाल पाएंगे यूपी के लोग, लिस्ट में पिटबुल व मास्टिफ समेत नस्ले शामिल। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में आए दिन कुत्तों कारण घटनाएं देखने व सुनने को मिलती हैं। स्ट्रीट डॉग के अलावा पालतू कुत्तों के काटने की खबर सुर्खियों में लगातार बनी हुई है, इनमें पिटबुल की घटना सबसे ज्यादा है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए योगी सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में पालतू कुत्तों की घटनाओं के मद्देनजर राज्यों को खुखार कुत्तों की तेज नस्लों की बिक्री और उनके प्रजनन पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था, जिसको लेकर योगी सरकार ने मान भी लिया है। इन बैन नस्लों में पिटबुल, टेरियर, अमेरिकन बुलडॉग, रॉटल विरल और मास्टिफ और सहित अन्य खतरनाक नस्लें शामिल हैं। यूपी में आजमगढ़ रामपुर में सपा से जामा मस्जिद के शाही इमाम ने किया नामांकन, पूरे प्रदेश में भारी विरोध शुरू। जी हां, आपको बता दें कि रामपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का कौन उम्मीदवार होगा, इसको लेकर शुरू हुआ ड्रामा खत्म हो गया है। सुबह सपा के ऐलान से ड्रामा खत्म हुआ। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने चार्टर प्लेन से देवेंद्र उपाध्याय को सिंबल लेकर रामपुर भेजा। जामा मस्जिद के शाही इमाम मुहिबुल्ला नदवी ने रामपुर के लिए नामांकन किया। वहीं रामपुर के नगर अध्यक्ष आसिम रजा ने भी पर्चा खरीद लिया। रामपुर सीट से पहले अखिलेश यादव फिर तेज प्रताप यादव के नामों की चर्चाएं शुरू हुई थी, लेकिन जामा मस्जिद के शाही इमाम मुहिबुल्ला नदवी को रामपुर को टिकट दिए जाने की बात सामने आई है। इसके बाद से पूरे प्रदेश में भारी विरोध शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश में लोड बढ़ाया पर छोड़ दिया है काम, बिजली बिल की इस गड़बड़ी से परेशान उपभोक्ता। जी हां, लेसा 4 किलोवाट लोड के उपभोक्ताओं की बिजली की खपत बढ़ते ही बिल में 5 किलोवाट लोड दर्ज कर देता है, साथ इसमें सिक्योरिटी मनी भी जुड़ जाती है, लेकिन उपभोक्ता के परसर पर सिंगल फेज मीटर को 3 फेज मीटर में नहीं बदलता। इस कारण उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली सप्लाई नहीं मिल पाती है। परेशान उपभोक्ताओं ने जूनियर इंजीनियर से लेकर SDO तक शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बता दें कि पिछले 6 माह से लेसा तय लोड से अधिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं का लोड बढ़ाने का अभियान चला रहा है। इस दौरान 1 से 4 किलोवाट लोड के छोटे उपभोक्ताओं का 3 माह में बिजली खपत बढ़ने पर 5 किलोवाट व उससे अधिक लोड दर्ज कर देता है, तो इसलिए आप भी मीटर से कुछ बड़ी चीज न चलाएं। यूपी के जिले में अब तक 6,000 से ज्यादा बवाली चिन्हित, CNRC के आरोपितों को भी किया जाएगा पाबंद। जी हां, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के चलते पुलिस उन लोगों को पाबंद कर रही है जो चुनाव प्रचार, मतदान या मतगणना के दौरान समस्या बन सकते हैं। पुलिस ने अब तक लगभग 6,000 बवालियों को चिन्हित कर उन्हें पाबंदी का नोटिस जारी किया। हर बार की तरह पुलिस इस बार भी चुनाव के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो, इसलिए बवालियों को चिन्हित करके उन्हें पाबंद किया जा रहा है। पुलिस आयुक्त अखिल कुमार ने साफ निर्देश दिए कि ऐसे लोग जिनके खिलाफ पिछले वर्ष काफी ज्यादा धाराएं दर्ज थी, उनकी लिस्ट बनाई जाए। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 23 अप्रैल को होगी मायावती की रैली, बसपा सुप्रीमो फूकेंगे चुनाव बिगुल, उत्तराखंड से यूपी की ओर होगी चुनावी रैलियां। जी हां, आपको बताने की बसपा सुप्रीमो मायावती मेरठ में 23 अप्रैल को चुनावी रैली करेंगे। मेरठ में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग है। चुनाव प्रचार थमने के 2 दिन पहले मायावती मेरठ में आकर चुनाव बिगुल फूकेंगी, अपने प्रत्याशी देवव्रत त्यागी के लिए वोट मांगेंगी। रैली मेरठ में कहां होगी, बसपा इसको लेकर वहां पहुंच की स्थिति में है। रैली स्थल तलाशा जा रहा है। बसपाइयों ने जिला
प्रशासन को 3 रैली स्थलों के नामों की लिस्ट भी दी है जहां बंजी की रैली कराई जा सके। हालांकि अभी तक कोई स्थल फाइनल नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाला 4 लेन बनाने का प्लान स्थगित। NHAI पटना बदली योजना, अब इस काम की तैयारी। दरअसल आपको बताने कि बिहार के बक्सर पटना के NH 922 को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 17 किलोमीटर का प्रस्तावित नया 4 लेन अब नहीं बनेगा। NHAI पटना ने योजना बदलते हुए भरौली तक बनने वाले ग्रीन फील्ड से इसे जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए बलिया के भरौली और बिहार के बक्सर के बीच गंगा नदी पर एक और पुल बनाया जाएगा ताकि NH को ग्रीन फील्ड से कनेक्ट किया जा सके। नया 4 लेन न बनने से दोनों जनपदों के किसानों की जमीन अधिग्रहित होने से बच जाएगी। उत्तर प्रदेश में पहली से टोल प्लाजा के बढ़ेंगे दाम, हाईवे का सफर हुआ महंगा। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ से होकर निकलने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वालों के जेब पर अब अतिरिक्त भार पड़ेगा, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने टोल टैक्स बढ़ा दिया है। बड़ी दरें 31 मार्च की मध्य रात्रि 12 बजे के बाद 1 अप्रैल से लागू होंगी। इसका सीधा असर जिले से होकर निकलने वाले करीब 3 लाख छोटे और भारी वाहनों के चालकों के जेब पर पड़ेगा, जिसका असर आप लोगों के जेब पर पड़ेगा। सड़क और परिवहन मंत्रालय के मंजूरी मिलने के बाद टोल टैक्स में बदलाव हो गए। नतीजन राजधानी से जुड़ने वाले 3 राष्ट्रीय राजमार्ग पर आना जाना 1 अप्रैल से महंगा हो जाएगा। कार और जीप के टोल टैक्स में 10 रुपए का इजाफा किया गया है। उत्तर प्रदेश में शाहजहां के जन्म से पहले बना था ताजमहल, लोग इसे कहते थे तेजो महल। कोर्ट में वकील ने ठोका दावा, इस दिन होगी सुनवाई। जी हां, आपको बता दें कि योगेश्वर श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ ट्रस्ट ने ताजमहल को तेजोलिंग महादेव का मंदिर बताते हुए आगरा सिविल जज जूनियर डिवीजन के यहां वाद दायर किया। वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2023 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से सूचना का अधिकार में पूछा था कि ताजमहल कब बनना शुरू हुआ, कब खत्म हुआ और ताजमहल के भवन की आयु क्या है। जिसका जवाब देते हुए ASI ने बताया कि ताजमहल एक रिसर्च का विषय है, जिसके लिए आप ताजमहल की वेबसाइट और संबंधित पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने काफी सारे पुस्तकें पढ़ी जिसमें कहा जा रहा है कि इनका नाम तेजो महल है और शिव जी का मंदिर है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कमेंट जरूर करें। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 28 नो पार्किंग स्थल चिन्हित। ट्रैफिक विभाग ने खींचा खाका, पूर्व में घोषित 17 नो पार्किंग स्थलों पर बनाया जाएगा बेहतर। जी हां, आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ की यातायात व्यवस्था को सुगम करने DCP ट्रैफिक सलमान ताज पाटिल ने खाका खींचा है। उन्होंने शहर में और 28 को नो पार्किंग स्थल घोषित कर दिया। नई व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू होगी। DCP ने बताया कि पूर्व में घोषित 17 नो पार्किंग स्थलों पर यातायात व्यवस्था को लेकर बेहतर परिणाम आने पर यह पहल की गई है। DCP ने बताया कि पूर्व में जनपद में 17 स्थानों को नो पार्किंग जोन घोषित किया गया था। इन स्थानों पर वाहन पार्क करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है, इससे इन स्थानों के आसपास जाम की समस्या कम हुई है। यूपी में पूर्व विधायक विजय मिश्रा पर बड़ी चोट, अस्पताल मकान समेत 113 करोड़ की संपत्ति कुर्क। जी हां, आपको बता दें कि भदोही की ज्ञानपुर सीट से पूर्व विधायक और बाहुबली विजय मिश्रा के परिवार पर शासन प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई कर डाली। PM भदोही के आदेश पर नई दिल्ली और प्रयागराज में स्थित अस्पताल और मकानों को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर लिया गया है। इसकी कीमत करीब 1 अरब 13 करोड़ 5 लाख रुपए आंकी गई है। कार्रवाई संबंधित में हड़कंप की स्थिति है। अपर पुलिस अधीक्षक राजवीर सिंह ने बताया कि विजय मिश्रा ने अवैध तरीके से अर्जित धन से उक्त प्रॉपर्टी को बनाया था। बताया कि विजय मिश्रा ने पत्नी रामलली मिश्रा, बेटी सीमा मिश्रा, दामाद हरिशंकर मिश्रा के नाम से सरिता विहार नई दिल्ली स्थित कोपिया बिल्डिंग के दूसरे तल पर 9 आधुनिक घर जिसकी कीमत 70 करोड़ रुपए खरीदा था। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 4 और सीटों पर घोषित किए प्रत्याशी। अमेठी रायबरेली पर सस्पेंस बरकरार। जी हां, आपको बताने की कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए यूपी की 4 और सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। हालांकि इस सूची में भी कांग्रेस के गढ़ अमेठी और रायबरेली का नाम नहीं है। दोनों सीटों पर सस्पेंस बरकरार है। बता दें कि कांग्रेस को यूपी में सपा ने 17 सीटें दी हैं। 4 पर और नाम घोषित होने का इंतजार है। सीतापुर से नकुल दुबे, महाराजगंज से वीरन चौधरी, गाजियाबाद से डॉली शर्मा और बुलंदशहर से शिवराज वाल्मीकि को टिकट दिया क्या है। उत्तर प्रदेश में अब पर्षदीय स्कूलों में रविवार को नहीं बटेगा रिपोर्ट कार्ड, शिक्षकों को बड़ी राहत। जी हां, आपको बता दें कि पर्षदीय स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को अब रविवार को विद्यालय खोलकर रिपोर्ट कार्ड नहीं बांटा जाएगा। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल की ओर से अब सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह 31 मार्च यानी रविवार से पहले किसी भी दिन विद्यार्थियों को रिपोर्ट कार्ड बांट सकते हैं। बता दें कि बुधवार को कुल 1,36,000 पर्षदीय स्कूलों के 1.96 करोड़ विद्यार्थियों की परीक्षाएं खत्म हुई है। ऐसे में अब शिक्षकों के पास अपने अपने विद्यालय के छात्रों के कॉपियों का मूल्यांकन कर रिपोर्ट कार्ड यानी कि मार्कशीट तैयार करने की तैयारी।
यूपी में धीरेन्द्र शास्त्री बोले, मथुरा की हालत देख बहुत तकलीफ हुई, यहाँ ठाकुर जी बैठेंगे, बाबर के खानदानों की ठटरी भरेगी। जी हाँ, आपको बताने की बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वृंदावन पहुँचे। उन्होंने कहा, यह तो तय है कि 100% ठाकुर जी ही बैठेंगे। जैसे राम मंदिर में रामलला विराजमान हुए, पत्ता भी नहीं हिला, ऐसे में मथुरा में ठाकुर जी बैठेंगे, बाबर के खानदानों की ठटरी भरेगी। मुझे यहाँ आते ही बड़ा कष्ट हुआ, जैसे मैं मोड़ पर पहुँचा तो वहाँ अंग्रेजी शराब की दुकान देखी, यह नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बस ब्रिज के आसपास 20 किलोमीटर से मदरा मांस का विक्रय बंद हो जाए, वृंदावन स्वर्ग से प्यारा है ही, हमको बहुत प्रसन्नता होगी। उत्तर प्रदेश में नगर निगम का एकल खिड़की होगा स्मार्ट, घर बैठे जमा कर सकेंगे शुल्क, नगर आयुक्त ने किया निरीक्षण। जी हाँ, आपको बताने की वाराणसी नगर निगम कार्यालय में सिंगल विंडो सिस्टम पर किए जा रहे कार्यों का नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने निरीक्षण किया। इसके माध्यम से कोई भी नागरिक नगर निगम में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, विभिन्न प्रकार के लाइसेंस एवं अन्य शुल्कों को एक स्थान पर जमा करने की कंप्यूटराइज सुविधा की गई है, जो कि सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने निरीक्षण में निर्देशित किया कि नवीन लाइसेंस धारक को ऑनलाइन फॉर्म उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि कोई भी नागरिक घर बैठे अपने प्रतिष्ठान का अनुज्ञप्ति पंजीकरण कराते हुए शुल्क जमा कर सके। यूपी में नहीं लड़ेगी AIMIM, अब जीत कर दिखाए सपा कांग्रेस, ओवैसी की पार्टी ने दिया चैलेंज। जी हां, आपको बताने की लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के नामांकन का समय खत्म हो गया। यूपी में पहले चरण में 8 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होने वाली है। नगीना को छोड़कर सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन, भाजपा और बसपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबले के आसार है। नगीना में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के भी मैदान में उतरने से यहां मुकाबला चतुष्कोणीय और रोचक हो गया है। इस बीच यूपी में 20 से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशी उतारने का दावा करने वाली ओएसी की पार्टी AIMIM ने इंडिया गठबंधन को वॉक ओवर देते हुए कहा, हम पर मुस्लिमों का वोट काटने और भाजपा को जिताने का आरोप लगता है, इसलिए हमने नामांकन नहीं किया, अब सपा और कांग्रेस जीत कर दिखाए। उत्तर प्रदेश में 2 दस्तावेजों में से किसी का प्रयोग कर सकेंगे मतदान। मतदाता को मतदाता पर्ची के साथ वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक लाना अनिवार्य। जी हां, आपको बताने की लोकसभा चुनाव में मतदाता 12 दस्तावेजों में से किसी भी एक दस्तावेज का प्रयोग कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे, यानी वोट डाल सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के रूप में मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान के लिए अपना वोटर आईडी प्रस्तुत करना होता है। ऐसे में अगर मतदाता जो अपना वोटर आईडी प्रस्तुत नहीं कर पाते तो उन्हें अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनमें DL, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासबुक, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज है। यूपी के मुरादाबाद में भी आजम खान की ही चली रुचि वीरा, सपा प्रत्याशी सांसद एसटी हसन का नामांकन रद्द। जी हां, आपको बता दें कि मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी में छिड़ा संग्राम काफी ज्यादा थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि अब यहां आजम खान की ही चली और उसकी खास रुचि वीरा मुरादाबाद से सपा के प्रत्याशी होंगे। सपा से ही पर्चा दाखिल करने वाले मुरादाबाद के सांसद एसटी हसन का पर्चा खारिज हो गया है, जिसको लेकर बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं। DM मानवेंद्र सिंह के अनुसार हसन के पर्चा के साथ सपा का सिंबल नहीं होने के कारण पर्चा अधूरा रह गया और रद्द कर दिया गया। पर्चा कटने पर हसन ने कहा कि पार्टी ने मुझे आदेश दिया था, उसी के अनुसार पर्चा दाखिल किया था, आज ही दूसरे प्रत्याशी की तरफ से पर्चा दाखिल की जानकारी मिली, पार्टी का हर फैसला स्वीकार। उत्तर प्रदेश में अप्रैल से इस जिले से दिल्ली मुंबई की फ्लाइटें 26 अक्टूबर तक का शेड्यूल जारी। जी हां, आपको बताने की 30 अप्रैल से कानपुर एयरपोर्ट से आकाशा एयरलाइंस अपनी 2 फ्लाइटें शुरू करने जा रहा है। ये फ्लाइटें कानपुर से दिल्ली और मुंबई की होंगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इन दोनों नई फ्लाइटों का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। गर्मी के शेड्यूल में फ्लाइटें 30 अप्रैल से शुरू होकर 26 अक्टूबर 2024 तक डेली उड़ान भरेंगे। उत्तर प्रदेश के आगरा में माहौल खराब करने की कोशिश, होली के दिन लगे पाक समर्थित नारे, 11 गिरफ्तार, 84 पर मुकदमा दर्ज। जी हां, आपको बताने की यूपी के आगरा में होली के दिन माहौल खराब करने की कोशिश की गई। आरोप है कि ईदगाह कुदलपुर में होली खेल रहे युवकों पर पथराव किया गया, साथ ही पाक जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। वहीं पुलिस नारेबाजी से इनकार कर रही है, हालांकि मुकदमे में पाक समर्थन नारेबाजी का जिक्र किया गया है। पथराव में 2 युवक घायल हो गए, वहीं पुलिस के पहुंचने के बाद आरोपी भाग निकले। 34 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटना 26 मार्च दोपहर करीब 3 बजे की है। रामेश्वर कैफे प्रकरण के तार यूपी से जुड़े, NIA ने बरेली से एक संदिग्ध को दबोचा, 5 घंटे तक की पूछताछ। जी हां, आपको बताने की NIA की टीम ने बंगलुरु में हुए धमाके प्रकरण में बरेली के भोजीपुरा के धौरा टांडा में एक धर्मस्थल से विशेष समुदाय के व्यक्ति को पकड़ा, उससे घंटों तक पूछताछ की गई, कार्रवाई मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में की गई। दोपहर करीब 2 बजे NIA की टीम लौट गई। सूत्रों के मुताबिक 2 दिनों से बरेली में NIA लखनऊ की टीम लगी थी, पुलिस को भी इसकी सूचना नहीं दी गई। बता दें कि 4 बजे एक मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में
फौजीपुरा के धौरा टांडा के वार्ड 5 में पहुंची एक विशेष समुदाय के व्यक्ति के घर पर छापा मारा। वहां सफलता नहीं मिली। परिवार वालों से पूछताछ में पता चला संबंधित व्यक्ति धर्मस्थल में मिलेगा। बंद कमरे में करीब 5 घंटे तक उससे पूछताछ की गई है। उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर रावण और असदुद्दीन ओवैसी के साथ फ्रंट बनाकर लड़ेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य, खुद बता दिया प्लान। जी हां, आपको बताने की समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे चुके स्वामी प्रसाद मौर्य की लोकसभा चुनाव 2024 में क्या भूमिका होगी, इसे लेकर तरह तरह की अटकलें लग रही हैं। इस बीच कहा जाने लगा था कि स्वामी प्रसाद चंद्रशेखर रावण और असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर एक नया फ्रंट बना सकते हैं। इस फ्रंट में वे नेता शामिल होंगे जो एनडीए या इंडिया गठबंधन, दोनों में से किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ कर दिया कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। आने वाले दिनों में वो इंडिया गठबंधन को ही मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। यूपी के ताजमहल पर लगाई है, उत्तर प्रदेश में ताजमहल पर लगाई जाएगी 5 वेंडिंग मशीनें। ज्वाइंट सेक्रेटरी ने किया निरीक्षण, बढ़ाई जाएंगी टिकट विंडो की संख्या। जी हां, आपको बताने की आगरा के ताजमहल पर टिकट खरीदने में पर्यटकों को अब परेशानी नहीं होगी, इसके लिए नई व्यवस्था की जाएगी। आज ज्वाइंट सेक्रेटरी ने ताजमहल का निरीक्षण किया। टिकट के लिए 5 वेंडिंग मशीनें लगाई जाएंगी, टिकट विंडो की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। बता दें कि संस्कृति मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी गुरमीत सिंह चावला ने ताजमहल के आसपास टिकट काउंटर्स, पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधाओं तथा विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। राम मंदिर में मोबाइल प्रवेश पर हिंदू महासभा चिंतित, सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल, पीएम और सीएम के साथ चंपत राय को सौंपेंगे ज्ञापन। जी हां, अखिल भारत हिंदू महासभा ने राम मंदिर के अंदर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने की घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। महासभा प्रदेश के मंत्री अधिवक्ता राकेश दत्त मिश्रा ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा भगवान राम लला के प्राण प्रतिष्ठा होने के साथ ही मंदिर परिसर में मोबाइल पर प्रतिबंध लगाया गया है। कोई व्यक्ति कितना ही वीआईपी अथवा वीवीआईपी क्यों न हो, वह मंदिर परिसर में मोबाइल नहीं ले जा सकता। मोबाइल प्रतिबंधित होने के बावजूद अक्सर मंदिर परिसर के अंदर की वीडियो दर्शनार्थी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है, जो कि चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश में टिकट कटने की अटकलों के बीच ब्रजभूषण शरण सिंह का दावा, वीडियो भी किया शेयर। जी हां, आपको बताने की भाजपा के छठी लिस्ट घोषित होने के बाद कैसरगंज से उम्मीदवार का नाम अभी सामने नहीं आया है। यहां से ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद हैं। इसको लेकर कैसरगंज लोकसभा सीट पर अब भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कटने की अटकलें तेज होती जा रही है। इस बीच कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया। वीडियो में क्षेत्र की जनता से मिलते उनकी समस्याएं सुनते दिख रहे ब्रजभूषण ने कैसरगंज की जनता को अपना और पीएम मोदी का परिवार बताते हुए अब की बार 400 के पार पहुंचाने की बात कही। यूपी के गाजियाबाद में कबूतरबाजी करने वाले 2 गिरफ्तार। विदेश भेजने के नाम पर ठगी, अवैध धंधा होता था प्रोफेशनल तरीके से, कई टीम बनाकर करते थे ठगी। जी हां, आपको बताने की गाजियाबाद के थाना कौशाम्बी में विदेश भेजने के नाम पर लोगों से पैसा ठगने वाले गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से पासपोर्ट, फर्जी वीजा और आधार कार्ड बरामद किए। यह गैंग बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से काम अंजाम देता था। कई टीम बनी हुई थी जिनके अलग अलग काम होते थे। पुलिस के मुताबिक इस गैंग में कुल 5 लोग थे, जिनमें से 2 की गिरफ्तारी हो गई है, बाकियों की तलाश जारी है। बताने की गाजियाबाद में डीसीपी ट्रांस हिडन निमिष पाटिल ने बताया कि आकाश नाम के व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी, विदेश भेजने के नाम पर उसकी ठगी की गई। बताने की सोशल मीडिया और अन्य प्रचार के माध्यम से विदेश भेजने के नाम पर लोगों को आकर्षित करते थे, तो फेसबुक आदि पर प्रमोशन देखकर आप लोग विश्वास न किया करें। उत्तर प्रदेश में मोबाइल चोर निकला सपा युद्ध ब्रिगेड का विधानसभा अध्यक्ष। आगरा में खाटू श्याम मंदिर से मोबाइल चुराते हुए सीसीटीवी में कैद, पुलिस ने किया गिरफ्तार। जी हां, फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी युद्ध ब्रिगेड का विधानसभा अध्यक्ष मोबाइल चोर निकला। आगरा में खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने आए व्यवसायी का सपा नेता ने मोबाइल चोरी कर लिया। मोबाइल चोरी करते हुए वो मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। आगरा पुलिस ने आरोपी मोबाइल चोर सपा नेता को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद को मायावती ने दी प्रचार की जिम्मेदारी, बीएसपी के लिए 25 ताबड़तोड़ रैली करेंगे। जी हां, आपको बताने की उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी पूरा जोर लगा रही है। बसपा जनता तक पहुंचने की पूरी कोशिश में लगी है। इस बीच मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद की भी एंट्री होने जा रही है। आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर बनाकर जीता हैदराबाद, मुंबई को 31 रन से हराया। क्लासन ने 34 बॉल पर 80 रन बनाए, अभिषेक हेड के विस्फोटक अर्धशतक। जी हां, आपको बताने की राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर हैदराबाद ने 20 ओवर में 30 विकेट पर 277 रन बनाए। जवाब में मुंबई इंडियंस 20 ओवर में 5 विकेट पर 246 रन ही बना सकी है। हैदराबाद ने आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया है, पिछला रिकॉर्ड आरसीबी के नाम पर दर्ज था। उत्तर प्रदेश में बदलने जा रहा है मौसम, 5 दिनों तक होगी बारिश, बिजली कड़कने और आंधी तूफान की भी चेतावनी जारी। जी हां, आपको बताने की उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने आज से कई क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना जताई है, और ये बारिश कई जगहों पर हल्की से मध्यम होने वाली है, यानी अच्छी खासी बारिश होगी, जबकि कई जगहों पर आंधी तूफान की भी चेतावनी जारी है।
इसमें 29 और 30 मार्च को झमाझम बारिश का भी कई स्थानों पर अलर्ट जारी किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ईरान के आसपास पश्चिमी विक्षोभ की मौजूदगी के चलते आज से 30 मार्च के बीच उत्तरी पश्चिमी यूपी के उत्तराखंड से लगे इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि आने वाले दिनों में लोगों को भीषण गर्मी से परेशान रहना पड़ सकता है। दोस्तों, हम आपके लिए इतनी मदद करते हैं, आप एक लाइक और शेयर नहीं कर सकते, प्लीज कर दीजिए, इसका कोई पैसा नहीं लगता। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबा लें ऐसे रोज की ताजा खबरों के लिए।